दोस्तों नमस्कार। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देख लिया था XMPP के कुछ बेसिक्स, अब हम इस वीडियो में इसकी एड्रेसिंग स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। एड्रेसिंग स्कीम वो तरीके होते हैं जिससे कि मैसेज ट्रांसफ़र करने से पहले हम ये लोकेट करते हैं कि किससे बात करनी है, क्या बात करनी है और कितनी बात करनी है। तो जब तक मेरे को ये नहीं मालूम होगा कि मैं डेटा कहाँ भेज रहा हूँ, क्यों भेज रहा हूँ, किस पर्पज़ से भेज रहा हूँ, किस तरह का के का मतलब नोड है या क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए हमें उसकी एड्रेसिंग स्कीम्स के बारे में समझना होता है। तो एड्रेसिंग स्कीम में जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है JID। अब जे से जो इसका जिसने इसको बनाया था वो उसी का ही नाम है, जैबर। और आईडी का फुल फॉर्म सबको मालूम है, आईडी का फुल फॉर्म होता है आइडेंटिफायर। तो इसमें अलग अलग तरीके की आइडेंटिटीज़ होती हैं, तीन यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है और हम इन तीनों के बारे में ही बात करेंगे। तो पहली होती है डोमेन आइडेंटिफायर। डोमेन आइडेंटिफायर क्या होता है? तो बेसिकली ये होता है ओनली रिक्वेस्ट आइडेंटिफायर ऑफ JID। ये जो है ये ओनली रिक्वेस्ट आइडेंटिफायर है कि रिक्वेस्ट कहाँ से आई है, रिक्वेस्ट आईडी ऑफ JID। ठीक है, ये जो है ये किस किस बीच में काम करेगा? नेटवर्क गेटवे और प्राइमरी सर्वर, जो हमारा ये काम करेगा हमारा नेटवर्क गेटवे के साथ, या फिर जो हमारा प्राइमरी सर्वर है उसके साथ। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही सर्वर रहेगा, ये मैंडेटरी नहीं है। समटाइम्स इट कैन बी नॉट ऑलवेज, मतलब कि नॉट ऑलवेज सर्वर बट ऑलवेज सर्वर, कैन बी सर्वर और सर्विस। ये है इसमें कमाल की बात, ज़रूरी नहीं है तभी गेटवे लिखा था। इसलिए ऐसा नहीं कि हर बार सर्वर ही रहेगा, सर्वर है तो ठीक है, यदि सर्वर नहीं होगा तो उस केस में ये सर्विस को भी की रिक्वेस्ट को भी का भी आइडेंटिफायर की तरह काम करेगा। जो दूसरा आइडेंटिफायर होता है उसको बोलते हैं नोड आइडेंटिफायर, और ये होता है ऑप्शनल सेट, या फिर इसको बोलते हैं सेकेंडरी आइडेंटिफायर। सेकेंडरी आइडेंटिफायर है, इसका काम क्या होता है? ये बेसिकली इसका काम होगा रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट अ क्लाइंट किसके लिए, और अ चैट रूम, कम्युनिकेट करो, बात करो, उसके लिए इसका काम आता है। और ये क्या करेगा? एक तरीके से बेस JID की तरह काम करेगा। ये रिक्वेस्ट की जगह क्या करेगा? ये रिक्वेस्ट नहीं करेगा, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंट। ये रिप्रेजेंट करता है क्लाइंट को या फिर चैट रूम को, और ये एक तरीके से बेस जेबर आइडेंटिफायर की तरह काम करेगा। इसके बारे में आप डोमेन आईडी देख ली, नोड आईडी देख ली, बहुत ज़्यादा यही इन्फॉर्मेशन होती है इनके बारे में। इसके बाद है हमारा थर्ड, जिसको कहते हैं रिसोर्स आइडेंटिफायर। ये जो है ये भी ऑप्शनल है ना। और ये थर्ड आईडी, थर्ड होता है, थर्ड को क्या बोलते हैं? टेरिटरी। और थर्ड आइडेंटिफायर है, ये क्या करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा स्पेसिफिक सेशन को, रिप्रेजेंट्स स्पेसिफिक सेशंस, ये इनको रिप्रेजेंट करता है, या कनेक्शन और ऑब्जेक्ट किसी भी तरह के सेशन को, कनेक्शन को या ऑब्जेक्ट्स को। और ये टिपिकली ये क्या होता है? ये डिफाइन होता है किस तरीके से? क्लाइंट कम्युनिकेशन से, डिफाइंड बाय अ क्लाइंट कम्युनिकेशन। और जनरली जो कम्युनिकेशन होते हैं वो ब्रोक, वो तोड़े जाते हैं, वो कम्युनिकेशन जो होते हैं वो ब्रेक किए जाते हैं। कम्युनिकेशन इज ब्रोकन इनटू, कम्युनिकेशन इज ब्रोकन इनटू स्टेंजास। अब ये स्टेंजास क्या होता है? स्टेंजा का मतलब होता है कि मैसेज को, बड़े मैसेज को छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड करना। अब इसके बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है वो होता है आपका प्रेजेंस वाली जो चीज़ें होती हैं,
वो सारी इसमें आ जाएंगी, जैसे कि मैसेज करना या रिएक्शन देना, ये सारी चीज़ें। और दूसरा हो जाएगा आपका IQ, इंफॉर्मेशन क्वायरी। इसी तरह से जो दूसरा वाला जो होता है उसको बोलते हैं आप, ये बेसिकली क्या काम करेगा, ये शॉर्ट XMPP मैसेज होता है जो कि सेंड किया जाता है बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। ये है दो तरीके के स्टेंजास, जिसमें एक में प्रेजेंस आ गया, इंफॉर्मेशन क्वायरी आ गई, और जो दूसरा वाला है इसमें आएगा आपका शॉर्ट XMPP मैसेजेस जो कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में शेयर किए जाते हैं। दोस्तों इसमें जो हमने देखा XMPP के जो फीचर्स देखे थे उसमें ये क्या है, एक ओपन प्रोटोकॉल है, साथ ही साथ में ये क्या करता है, ये स्ट्रीमिंग करता है, स्ट्रीमिंग XML इंफॉर्मेशन को स्ट्रीम करेगा, एक्सचेंज मैसेज करेगा और प्रेजेंस की इंफॉर्मेशन दिखाता है। अब हम इसको देखते हैं कि आखिर ये काम करता कैसे है, इसके केस में बहुत ज़रूरी है ये जानना। तो हम पहला एक तरीका देखते हैं कि जब क्लाइंट और सर्वर के बीच में बात होनी है, ये रहा हमारा क्लाइंट और ये रहा हमारा सर्वर। अब क्लाइंट और सर्वर को आपस में बात करनी है और ये क्या कर रहे हैं, XML स्ट्रीम एस्टेब्लिश कर रहे हैं। अब ये कैसे काम करेंगे, तो क्लाइंट ने क्या किया, सर्वर को कुछ बोला, स्टार्ट स्ट्रीमिंग रिक्वेस्ट आई, स्टार्ट स्ट्रीम करो टू सर्वर, इसने स्ट्रीम करना चालू कर दिया। जैसे ही इसने सर्वर को स्ट्रीम किया, इसके हिसाब से सर्वर ने क्या किया, सर्वर ने भी यदि उसको इन्फॉर्म उसको इस तरह की रिस्पॉन्स देना है तो वो क्या बोलेगा, स्टार्ट स्ट्रीम टू, अब यहाँ सर्वर की जगह क्या आ जाएगा, क्लाइंट आ जाएगा। तो ये लोग अपना मैसेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक समय के बाद क्या होगा कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बीच में आ जाएंगे, ये अपना काम करेंगे। इनका काम क्या होगा, ये है निगोशिएशन का, निगोशिएट करेगा TLS, TLS का फुल फॉर्म में देखा था लास्ट वीडियो में क्या था, ट्रांसफ़र लेयर सिक्योरिटी, ये बीच में आ जाएगा। जैसे ही सेशन ख़त्म हुआ उसके बाद क्या होगा, फिर ये थोड़ा सा रुक के फिर यदि स्ट्रीम कंटिन्यू करनी है तो फिर से स्टार्ट करेगा, स्टार्ट न्यू इंक्रिप्शन CRYPT इंक्रिप्शन स्ट्रीम। अब इसने सिक्योरिटी टू किसको करेगा, ये सर्वर है ना, तो ये सर्वर को भेज रहा है। अब इनक्रिप्टेड मैसेज गया, इनक्रिप्टेड स्ट्रीम चालू हुई, अब ये सेम काम करेगा, यहाँ से रिस्पॉन्स आया स्टार्ट न्यू इनक्रिप्टेड स्ट्रीम टू क्लाइंट। अब यहाँ पे निगोशिएशन दोबारा होंगे, निगोशिएशन में कौन से प्रोट, अब पहले हमने क्या लगाया था, TLS लगाया था, अब आप चाहो तो दोबारा TLS से कर सकते हो, नहीं तो आप क्या करोगे, कौन सा था वो, S क्या था उसका फुल फॉर्म, SA सिंपल ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी लेयर, ये काम करने लग जाएगा। और ये इसको बोलते हैं निगोशिएट SSL यूज्ड। SASL यूज्ड, ये तो हो गया दोस्तों थोड़ा सा मतलब लाइव स्ट्रीम के बारे में। अब हम सेम चीज़ देखेंगे कि किस तरह से इंस्टेंट मैसेजिंग के केस में ये काम करता है। अगेन मैं वही काम करूँगा, फिर से बनाऊँगा एक क्लाइंट, ये थोड़ा इजी है, और ये है सर्वर। तो इस केस में क्या हुआ, दोनों की एक्टिविटी चालू होगी। अब इसने क्या किया, इसने बोला कि स्ट्रीमिंग चालू करो, स्टार्ट स्ट्रीम, मतलब स्ट्रीम का मतलब लाइव तो है ही, साथ में साथ में डेटा कंटिन्यूसली आए जाए इस तरह की व्यवस्था करना भी है। तो इस तरह से जैसे ही स्टार्ट स्ट्रीम हुई, रिक्वेस्ट आई, इसने स्ट्रीम स्टार्ट कर दी। इसके बाद क्या हुआ, फिर से एक रिक्वेस्ट आई कि स्टार्ट IM सेशन,
कि नहीं स्ट्रीम चालू, अब क्या करना है मेरे को, मैसेजिंग करनी है। तो इस रिक्वेस्ट के हिसाब से इसने क्या किया, इसको एक्नॉलेजमेंट भेजा, एक्नॉलेजमेंट आई एम सेशन। अब सेशन एकदम से ऐसे चालू नहीं होगा। फिर वो ये रिक्वेस्ट भेजता है किसके लिए, कि अब आप मेरे को क्या करो, रोस्टर भेजो, रिक्वेस्ट रोस्टर। रोस्टर क्या होता है, रोस्टर एक ऐसी डायरेक्टरी है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन कौन अवेलेबल है, कौन कौन अवेलेबल नहीं है, जिस बंदे से बात करना चाहते हो उससे बात हो सके, स्टेटस जो होता है वो सारा इसी में रहता है। तो इस रिक्वेस्ट के हिसाब से रिस्पॉन्स गया कि भैया तुमको रोस्टर चाहिए, ये रहा रोस्टर, ये लो रोस्टर, रोस्टर भेज दिया। रोस्टर के हिसाब से क्या होगा कि अब उसके हिसाब से उसने, क्लाइंट ने क्या बोला कि अब मैं, अब मेरी इनिशियल प्रेजेंस की जानकारी बताओ कि कौन कौन, सेंड इनिशियल प्रेजेंस, कौन कौन है कौन कौन नहीं है ये सब बताओ मेरे को। तो इनिशियल प्रेजेंस की जब रिक्वेस्ट आई तो उसके हिसाब से इसने क्या किया, जो भी प्रेजेंस इन्फॉर्मेशन है, मतलब रिएक्टिव सिस्टम है ना, तो इस केस में क्या करेगा, सेंड ऑल प्रेजेंस इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन वो सारी इन्फॉर्मेशन भेज देगा। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई है, इसको अपन सही कर लेते हैं, और ग्रीन ये सही हो गया। अब जैसे ही, अब इसको इस सिनेरियो में बता, जैसे कि दो लोग हैं, एक का नाम है मिस्टर ए, दूसरे का नाम है मिस्टर बी। अब मिस्टर ए और मिस्टर बी जो है web.org के थ्रू बात कर रहे हैं और एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, ठीक है जी। तो अब क्या हुआ, रोस्टर चला गया, इन्फॉर्मेशन सारी मिल गई, प्रेजेंस के बारे में सारी जानकारी मिल गई। अब क्या करेंगे, अब क्लाइंट ने बोला सर्वर से कि तुम क्या करो, सेंड मैसेज टू मिस्टर, बोलो ए, मिस्टर ए को मैसेज भेजो। तो अब ये क्या करेगा, मिस्टर ए को मैसेज भेजेगा। मिस्टर ए को जैसे ही इसने मैसेज भेजा, अब ये रिक्वेस्ट आई, अब फिर से इसने रिएक्ट किया, रिस्पॉन्स किया, फॉरवर्ड मैसेज टू मिस्टर ए कर दिया। और इसके बाद क्या बोलता है ये कि मेरे को लॉग आउट करो, लॉग ऑफ। जैसे ही लॉग ऑफ की रिक्वेस्ट आई तो उसके बाद क्या होगा, ये क्या करेगा, इसको यहाँ से फिर रिक्वेस्ट भेजेगा कि मेरे को लॉग आउट करो। इसने लॉग आउट कर लिया, जैसे ही लॉग आउट हुआ उसके बाद क्या हुआ कि स्ट्रीम जो है अब ये बंद कर दिया, कि अभी इस, इन दोनों के बीच में आप कम्युनिकेशन नहीं होना है, इसलिए क्लोज स्ट्रीम कर दिया। और जैसे ही क्लोज स्ट्रीम हो गई, जब तक दोबारा कनेक्शन नहीं बनता तब तक क्या रहेगा, वो हमेशा क्लोज स्ट्रीम ही रहेगा। दोस्तों ये है हमारा XMPP का एक एग्जाम्पल एक्टिविटी का, जब XMPP IM कन्वर्सेशन में हम यूज़ करते हैं। इससे पहले जो हमने देखा था वो हमने देखा था XMPP जब स्ट्रीमिंग में यूज़ करते हैं, कि आप जानकारी भेजना चाह रहे हो, वो लाइव स्ट्रीम हो रही है तो आपने सर्वर को भेजा, सर्वर ने क्लाइंट हैं या क्लाइंट्स हैं सबको भेज दिया, फिर बाद में निगोशिएशन, जो जो सिक्योरिटी लेयर के प्रोटोकॉल्स थे, मैंने आपको डायग्राम में दोनों तरीके के लगा दिए। इनक्रिप्टेड करेंगे तो SSL आएगा, वैसे भी इनक्रिप्शन TSL से भी हो जाता है, TLS से भी हो जाता है, लेकिन मैंने डायग्राम में एग्जांपल दिखाने के लिए आपको TLS और SSL दोनों को यूज़ करके बताया। इन दोनों के बारे में हमने पिछले सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के फुल फॉर्म्स हमने देख ही लिए थे पिछले वीडियो में। XMPP में IM कन्वर्सेशन कैसे होता है ये भी हमने देख लिया है, नॉर्मल कम मतलब बेसिकली चैटिंग चालू कैसे होती है और कैसे हैंडल की जाती है किसी हमारा XMPP प्रोटोकॉल के थ्रू। मोर और लेस जो फंडा रहता है ये किसी भी और दूसरे प्रोटोकॉल के लिए भी हल्का सा मतलब बदलता है, लेकिन इन जनरल चीज़ें ऐसी रहती हैं। फिर हमने देखा कि मैसेज एक साथ सारा नहीं भेजते, जनरली मैसेज को ब्रेक करते हैं, ब्रेक को जो मैसेज जो ब्रोक जो छोटे मैसेजेस बनते हैं उनको स्टेंजास बोलते हैं। स्टेंजास कितने, दो तरीके के होते हैं ये भी देख लिया था। जब मतलब XMPP के एड्रेसिंग स्कीम में IDs का क्या काम होता है, IDs किस किस तरह की होती हैं ये भी हमने देख लिया था। अब दोस्तों XMPP हमने बहुत टेक्निकली इस चीज़ को समझा है, समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें, यदि आप RFC पढ़ना चाहेंगे
तो आपको और ज़्यादा विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। जब डेवलपर्स जो होते हैं वो जनरली आरएफसी पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, लेकिन जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए जब छोटे प्रोजेक्ट बनाने हैं, करने हैं, कनेक्टिविटी बनानी है, तो आपको ये पता लगाना है कि आप कौन सा प्रोटोकॉल सही रहेगा, SOAP सही रहेगा, HTTP सही रहेगा, XMPP सही रहेगा। तो उसके लिए हमको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए सारे प्रोटोकॉल्स की, इसलिए ये जानना XMPP के बारे में बहुत ज़रूरी था। और यदि आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई से भी सवाल हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।